हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूअर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। मेरे पास कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स होंगी और उनके ऊपर मैं चार्ज पुट करूंगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो फाइंड आउट करना होगा, और वेरियस रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो फाइंड आउट करना होगा। तो इसके ऊपर बेस्ड हम आज के इस लेक्चर में चार जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ध्यान रहे, कंडक्टिंग सेल्स होंगी कॉन्सेंट्रिक। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो एक कंडक्टिंग सेल ये है, रेडियस कितनी आर, ठीक है, और दूसरी कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ये है, रेडियस कितनी 2R, और तीसरी कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ये है, रेडियस कितनी 3R, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स हैं। तो अब देखो मैंने क्या किया, यहां पे बिल्कुल सेंटर पे क्यों चार्ज पुट कर दिया, ठीक है, और ये जो फर्स्ट कंडक्टिंग शेल है इसके ऊपर मैंने -2Q चार्ज पुट कर दिया, डाल दिया, ठीक है, और सेकंड कंडक्टिंग शेल पे 4Q चार्ज डाल दिया, ठीक है, और ये जो थर्ड कंडक्टिंग शेल है इस पे 5Q चार्ज डाल दिया। तो ध्यान रहे कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स, सेंटर पे क्यू पॉजिटिव चार्ज, इस पे मैंने -2Q चार्ज डाल दिया, इस पे 4Q और इस पे 5Q। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा। और इसके बाद में देखो, मान लो एक पॉइंट ये है, एक ये और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। अभी मैंने इन पॉइंट्स की लोकेशन बिल्कुल अच्छे से नहीं दी है। तो देखो सेंटर से दूरी इस जी पॉइंट की ये कितनी गिवन है, 4R, ठीक है, और ये तो हो ही गई 3R, और सेंटर से इस ई पॉइंट की दूरी ये गिवन है 5R/2, ठीक है, सेंटर से इस डी पॉइंट की दूरी 2R होगी, सेंटर से इस सी पॉइंट की दूरी ये 3R/2 गिवन है, ठीक है, सेंटर से बी पॉइंट की दूरी R हो जाएगी, सेंटर से इस ए पॉइंट की दूरी ये R/2 गिवन है, ठीक है। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ जी ये पॉइंट्स हैं, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करो ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट्स पे। सेकंड पार्ट ये है, ठीक है, एट ए बी सी डी ई एफ जी इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आओ फर्स्ट पार्ट पे कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे आओ, इन कंडक्टिंग सेल्स पे चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो सेंटर पे एक चार्ज है,
क्यू सेंटर पे मैंने रखा था ना क्यू चार्ज, और इस पे मैंने माइनस टू क्यू चार्ज पुट किया था, इस पे फोर क्यू और इस फाइनल सेल पे फाइव क्यू। लेकिन ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, जीरो, कि ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो सेंटर पे क्यू रखा ना, तो ये जो इनर सरफेस है ना फर्स्ट कंडक्टिंग सेल पे, फर्स्ट कंडक्टिंग सेल की जो इनर सरफेस है इस पे ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। और देखो फर्स्ट जो सेल है इस पे टोटल चार्ज मैंने कितना पुट किया था, माइनस टू क्यू, तो इसके आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। इस सेल पे टोटल चार्ज माइनस टू क्यू रहना चाहिए ना, बिल्कुल। और अब देखो ये जो सेकेंड सेल है इसकी इनर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन क्या आ जाएगा, माइनस क्यू का अपोजिट प्लस क्यू। ठीक है, और अब देखो ये जो सेकेंड सेल है इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, तो देखो सेकेंड सेल पे टोटल चार्ज कितना, फोर क्यू, और इनर सरफेस पे क्यू आ गया तो आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, थ्री क्यू, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। तो अब आओ फाइनल सेल पे, फाइनल सेल के इनर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन कितना आ जाएगा, माइनस थ्री क्यू, क्योंकि यहाँ पे थ्री क्यू है ना, तो यहाँ पे इनर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन आ जाएगा माइनस थ्री क्यू, और आउटर सरफेस पे कितना आना चाहिए, देखो फाइनल सेल पे टोटल चार्ज कितना, फाइव क्यू, तो कितना आ जाएगा, आठ क्यू, आठ क्यू माइनस थ्री क्यू, तभी तो फाइव क्यू होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। ठीक है, ये क्या होगा मेरा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखो मुझे ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल योर फाइंड आउट करने। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, ठीक है ना, अब जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो सबसे पहले एट जी। तो देखो जी सभी तीनों सेल्स के आउटसाइड है। ठीक है, और देखो सेंटर पे एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यों, ये जो सेंटर पे पॉइंट चार्ज है क्यों, इसकी वजह से इस जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना क्यों, कितनी आएगी, के क्यू बाय में फोर आर का स्क्वायर, मतलब सोलह आर स्क्वायर, सही बात है। अब देखो ये जो फर्स्ट सेल है इस पे टोटल चार्ज तो माइनस टू क्यू ही है, माइनस क्यू माइनस टू क्यू, अब इसकी वजह से इस जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना माइनस टू क्यू, ऐसे, और कितनी आएगी, के इंटू में टू क्यू बाय में चार आर का स्क्वायर, मतलब सोलह आर स्क्वायर। ठीक है, अब आओ सेकंड कंडक्टिंग शेल, इस पे टोटल चार्ज फोर क्यू है, क्यू प्लस थ्री क्यू, और ये जी पॉइंट आउटसाइड भी है, तो इसकी वजह से इस जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना फोर क्यू, और कितनी आएगी, के फोर क्यू बाय में फोर आर का स्क्वायर, मतलब सोलह आर स्क्वायर। अब आ जाओ फाइनल सेल जिस पे चार्ज कितना है, फाइव क्यू, और ये जी पॉइंट आउटसाइड भी है, इस फाइनल सेल की वजह से इस जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, के इंटू में फाइव क्यू बाय में फोर आर का स्क्वायर, सोलह आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो तीन एरो तो ऐसे आए हैं, तो देखो के बाय में सोलह आर स्क्वायर को तो कॉमन ले लो, के बाय सोलह आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने,
प्लस फोर क्यू, फाइव क्यू प्लस फाइव क्यू, टेन क्यू। और ये एक ऐसे भी आया है एरो, टू के क्यू बाय में 16 r2। ठीक है, तो 10 2 से ज्यादा है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। और कितनी, 10 में से 2 गए 8, तो 8 k³ बाय में 16 r2, 8 × 2 = 16, तो k³ बाय में ये आ जाएगी 2 r2। ठीक है, और ऐसे मतलब k³ बाय में 2 r2, और कैसे ऐसे, ये डायरेक्शन दिखा दी मैंने। ठीक है, अब आओ F पे, F पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो देखो F पॉइंट पे इस Q पॉइंट चार्ज की वजह से, Q पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी K Q बाय में 16 r2। ठीक है, सॉरी 3 r2, ये डिस्टेंस क्या, 3 r है ना, F पॉइंट यहां पे है ना, तो 9 r2, ये दूरी 3 r है ना। तो अब ये फर्स्ट सेल की वजह से इस एफ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, क्योंकि फर्स्ट सेल पे टोटल चार्ज -2 q होना नेगेटिव, और कितनी आएगी के, चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 q बाय में ये दूरी का स्क्वायर, मतलब 9 r2। ठीक है, अब आओ सेकंड सेल, सेकंड सेल के भी आउटसाइड है ये एफ पॉइंट, तो सेकंड सेल पे टोटल चार्ज कितना, 4 q पॉजिटिव, तो सेकंड सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी के 4 q बाय में 9 r2। ठीक है, अब आओ फाइनल सेल, फाइनल सेल पे आओ, ये एफ पॉइंट सरफेस पे है और फाइनल सेल पे टोटल चार्ज 5 q पॉजिटिव है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के 5 q बाय में 9 r2। ठीक है, तो देखो KQ बाय 9 r2, KQ बाय 9 r2 कॉमन ले लो, तो 5 और 4 9 + 1 10, और 2 इस तरफ है, तो 10 में से 2 गया 8, तो इस तरफ आ जाएगी 8 KQ बाय में 9 r2। ठीक है, तो F पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, 8 k³ बाय 9 r2, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर का नहीं, मतलब ठीक है ऐसे, ये F पॉइंट है ना, मतलब कहने मतलब ये जो फाइनल शैल है उसके सरफेस पे है। ठीक है, ये F पॉइंट यहां पे हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी अवे फ्रॉम सेंटर 8 k³ बाई 9 r2, मतलब समझो इसको। तो अब आओ ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट ई, ई पॉइंट जो कि यहां पे है, सेकंड सेल और थर्ड सेल के बीच में। ठीक है, ये दूरी कितनी है 5 r/2, तो ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो देखो जो मेरी ये जो फाइनल सेल होगी उसके तो अंदर आ गया ई पॉइंट, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, ये जो सेकंड सेल है और फर्स्ट सेल है ई पॉइंट इन दोनों के आउटसाइड है। ठीक है, तो फाइनल सेल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी इस ई पॉइंट पे, तो ये इस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे आएगी, कितनी k³ बाय में 5 r/2 का स्क्वायर, मतलब 25 r2/4। ठीक है, और फर्स्ट सेल पे नेगेटिव चार्ज है -2 q, इसकी वजह से ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी के 2 q बाय में दिस दूरी का स्क्वायर, मतलब 25 r2/4। सही बात है, और जो सेकंड सेल है उसके भी आउटसाइड है ई पॉइंट, उस पे सेकंड सेल पे पॉजिटिव चार्ज है 4 q, तो सेकंड सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी के 4 q
भाई मैं 5r/2 का स्क्वायर मतलब 25r² / 4, तो 4 ऊपर चला गया ठीक है। और जो फाइनल शैल है उसके अंदर है ना ई पॉइंट, तो उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी ई पॉइंट पे। तो अब देखो इस ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वो कितनी आएगी, तो देखो के क्यू बाय में 25r² को कॉमन ले लो, के क्यू बाय 25r² मैंने कॉमन ले लिया ठीक है। तो इसका कितना बचा, 8 ठीक है ना, और इसका 4 और इसका 16, 16 + 4 = 20, 20 में से 8 गए 12, तो इस तरफ आएगी। और मैंने कॉमन क्या लिया था, के क्यू बाय 25r², और इनटू में कितना आएगा, 16 + 4 20 में से 8 गए 12, तो 12 के क्यू बाय 25r² ठीक है, इतनी आ जाएगी ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे 12 KQ/25r² और ऐसे अवे फ्रॉम सेंटर का नहीं मतलब ठीक है। अब आओ डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे मतलब ये डी पॉइंट सेकंड शेल के सरफेस पे, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जो कि सेकंड सेल के सरफेस पे है। तो अगेन देखो जो ये थर्ड सेल है उसकी वजह से डी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी ठीक है, क्योंकि डी पॉइंट थर्ड सेल के अंदर हो गया ना। तो इस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी आएगी, के क्यू बाय में दिस दूरी का स्क्वायर मतलब 4r², 2r² 4r² और इस पे ये जो फर्स्ट सेल है नेगेटिव चार्ज -2q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी पॉइंट पे ऐसे आएगी, K2Q/2r² मतलब 4r², डी पॉइंट आउटसाइड हो गया ना फर्स्ट सेल के, और डी पॉइंट इससे सेल के सरफेस पे है सेकंड सेल के, और सेकंड सेल पे पॉजिटिव चार्ज है 4q, तो सेकंड सेल की वजह से इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, K4Q/4r² ठीक है। तो इस डी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी आएगी, तो KQ/4r² को कॉमन ले लो, तो यहां पे 2 बच्चा, यहां पे 1 और यहां पे 4, 4 + 1 = 5, 2 से ज्यादा है, तो 5 में से 2 गए 3, और क्या कॉमन लिया था, KQ/4r², तो 3 KQ/4r² इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी पॉइंट पे अवे फ्रॉम सेंटर ठीक है। डी पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, ध्यान रहे सेकंड सेल के सरफेस पे होना चाहिए कहने का मतलब ठीक है। अवे फ्रॉम सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 3 KQ/4r² ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर। अब आ जाओ सी पॉइंट पे, एट सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो अब देखो सी पॉइंट दूसरी और तीसरी सेल के अंदर आ गया, तो दूसरी और तीसरी सेल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी सी पॉइंट पे, फर्स्ट सेल और इस पॉइंट चार्ज की वजह से आएगी केवल ठीक है। तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, दूसरी और तीसरी सेल के अंदर आ गया ना, तो दूसरी और तीसरी सेल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी सी पॉइंट पे। तो देखो इस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, K Q/ में दिस दूरी का स्क्वायर मतलब 3r/2 का स्क्वायर मतलब 9r² / 4, और सी पॉइंट इस फर्स्ट सेल के आउटसाइड है और फर्स्ट सेल पे नेगेटिव चार्ज -2q, तो फर्स्ट सेल की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी टुवर्ड सेंटर, और कितनी, K2Q/ में दिस दूरी का स्क्वायर मतलब 9r² / 4 ठीक है। तो सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे आएगी, क्या कॉमन लें, 4 KQ/ में 9r² कॉमन ले लें, 4 KQ/9r² यहां पे 1 बचा और यहां पे 2, तो 2 1 से ज्यादा, तो ऐसे आएगी 2 में से 1 गया 1, और कितनी, 4 KQ/9r² ठीक है। तो ये जो सी पॉइंट है ना,
जो कि फर्स्ट और सेकंड सेल के बीच में है, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड सेंटर आएगी। सी पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, ठीक है, टूवर्ड सेंटर आएगी। और कितनी, 4k³/9r² और टूवर्ड सेंटर, ये एरो का मतलब टूवर्ड सेंटर, ठीक है। अब आ जाओ बी पॉइंट पे, एट बी, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो देखो बी पॉइंट सेकंड और थर्ड सेल के इनसाइड है बिल्कुल, तो सेकंड और थर्ड सेल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी बी पॉइंट पे। बी पॉइंट फर्स्ट सेल के सरफेस पे है, तो फर्स्ट सेल की वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे, और इस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से आएगी बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, के क्यू बाय में दिस दूरी का स्क्वायर, ये कितनी है आर, आर स्क्वायर। और ये जो फर्स्ट सेल के सरफेस पे है ना बी पॉइंट, तो फर्स्ट सेल की वजह से आएगी और ऐसे आएगी, क्योंकि फर्स्ट सेल पे नेगेटिव चार्ज है ना -2q, और कितनी आएगी के 2q बाय में आर स्क्वायर। तो कितनी आएगी बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आएगी के क्यू बाय में आर स्क्वायर, ठीक है, टूवर्ड सेंटर, के क्यू बाय में आर स्क्वायर टूवर्ड सेंटर, ठीक है। अब आ जाओ ए पॉइंट पे, तो देखो ये ए पॉइंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेल तीनों के अंदर है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेल तीनों की वजह से ही ए पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, तो केवल इस पॉइंट चार्ज की वजह से आएगी ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो ऐसे आएगी के क्यू बाय में दिस दूरी का स्क्वायर, मतलब आर बाय टू का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बाय फोर। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 4k³ बाय में आर स्क्वायर और अवे फ्रॉम सेंटर, 4k³ बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और अवे फ्रॉम सेंटर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं इन ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट्स पे, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सबसे पहले आओ जी पॉइंट पे, आओ जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वेरियस सेल्स और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो और सीधा सम कर दो, स्केलर सम, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। तो देखो जी पॉइंट पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाय में ये दूरी कितनी 4r, ठीक है, बिल्कुल सही है। और फर्स्ट सेल की वजह से जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखो जी पॉइंट तीनों सेल के आउटसाइड है, तो फर्स्ट सेल की वजह से कितना आएगा के -2q बाय में ये दूरी 4r, सेकंड सेल की वजह से के 4q बाय में ये दूरी 4r, और थर्ड सेल की वजह से के 5q बाय में दूरी 4r। तो क्या कॉमन ले लो, के बाय में 4r, तो क्यू -2q - q, 4q में से क्यू गए 3q, 3q प्लस 5q 8q, ठीक है। तो ये आ गया 8k³/4r, तो 4 × 8, तो ये आ गया 2k³/r, ठीक है, 2k³/r। अब आओ F पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। F पॉइंट पे मतलब VF, वो कितना आएगा, तो देखो इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आएगा, के क्यू बाय में 3r प्लस इस फर्स्ट सेल की वजह से के -2q बाय में 3r प्लस सेकंड सेल की वजह से के 4q बाय में 3r, थर्ड सेल की वजह से के 5q बाय में 3r। तो के बाय 3r को कॉमन ले लो, क्यू -2q - q, 4q में से क्यू गए 3q, 3q प्लस 5q 8q, तो ये आ गया के 8q बाय में 3r,
ठीक है, पॉजिटिव आया। ठीक है, अब निकाल लो ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको कैसे निकाल अगेन तरीका भाई है। तो अब देखो यहां पे एक बात ध्यान रहे, अब ये ई पॉइंट थर्ड सेल के अंदर आ गया, हाँ सेकंड सेल और फर्स्ट सेल के बाहर है, ठीक है ना। तो ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ये कितना आ जाएगा, के क्यू बाय में ये दूरी 5R/2 प्लस फर्स्ट सेल के आउटसाइड है ना ई पॉइंट, तो फर्स्ट सेल की वजह से क्या आएगा, के माइनस टू क्यू बाय में ये दूरी 5R/2, और सेकंड सेल के भी आउटसाइड है ई पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड सेल ये कितना आएगा, के 4Q बाय में ये दूरी 5R/2। सही बात है। अब देखो थर्ड सेल के अंदर है ई पॉइंट, तो थर्ड सेल की वजह से इस ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, जो कि सरफेस पे आया था, तो के चार्ज कितना 5Q, सरफेस पे कितना आया था बाय में ये दूरी, और ये कितनी है 3R। सही बात है। तो इन तीनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, के 2KQ बाय में 5R ये कॉमन आ रहा है इन तीनों में, 2KQ/5R 1, 2KQ/5R मतलब -2, 2KQ/5R+4, ठीक है, 1 -2 -1, 4 में से एक गया 3, तो ये 3 × 2 = 6, 6KQ/5R और लास्ट टर्म अभी बाकी है, 6KQ/5R और लास्ट टर्म क्या है 5KQ/3R, तो यहां से के क्यू बाय में आर को कॉमन ले लो, तो 5/3 + 6/5, तो के क्यू बाय आर 5×5 = 25, 6×3 = 18, 25 और 18 = 43 बाय में 15, तो यह आ गया ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 43KQ/15R। ठीक है, अब सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो। तरीका वही है बिल्कुल। तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या हुआ, तो देखो सी पॉइंट सेकंड और थर्ड सेल के अंदर आ गया लेकिन फर्स्ट सेल के बाहर है, तो सी पॉइंट पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू बाय में ये दूरी ये कितनी है 3R/2, और फर्स्ट सेल की वजह से के -2Q बाय में ये दूरी ये कितनी 3R/2 अगेन। और देखो सेकंड सेल और थर्ड सेल के अंदर है सी पॉइंट, तो सेकंड सेल की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, जो कि सरफेस पे आएगा क्योंकि अंदर आ गया ना, K4Q बाय में 2R, ऐसे थर्ड सेल की वजह से K5Q बाय में 3R जो सरफेस पे आएगा। ठीक है, तो क्या कॉमन ले लो, के क्यू बाय आर को कॉमन ले लो, चलो ठीक है के क्यू बाय आर को, तो 2/3 के क्यू बाय आर को कॉमन लिया, -4/3 + 2 + 5/3, 5/3 - 4/3 1/3, ठीक है, 2/3 + 1/3 1 + 2 = 3, तो ये आ जाएगा सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3KQ/R। ठीक है, अब आओ बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो बी पॉइंट अगेन सेकंड और थर्ड सेल के अंदर है, बी पॉइंट फर्स्ट सेल की सरफेस पे है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाय में आर, अभी मैं वी भी निकालने जा रहा हूं, ठीक है, के क्यू बाय में आर, फर्स्ट सेल की वजह से बी पॉइंट पे जो सरफेस पे आएगा, क्योंकि बी पॉइंट फर्स्ट सेल के सरफेस पे है ना, तो के -2Q बाय में आर,
और ये बी पॉइंट सेकंड और थर्ड सेल के अंदर है, तो सेकंड सेल की वजह से क्या आएगा बी पॉइंट पे, जो कि सरफेस पे आएगा, के फोर क्यू बाय में टू आर। ऐसे थर्ड सेल की वजह से बी पॉइंट पे क्या आएगा, जो सरफेस पे आएगा, के फाइव क्यू बाय में थ्री आर। तो के क्यू बाय आर को कॉमन ले लो, वन माइनस टू प्लस टू प्लस फाइव बाय थ्री, टू माइनस टू जीरो, तो ये आ गया आठ के क्यू बाय थ्री आर। अब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, तो बस ये अब न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा वी ए। तो अब देखो ये ए पॉइंट फर्स्ट सेल सेकंड सेल और थर्ड सेल तीनों के अंदर आ गया, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आएगा, के क्यू बाय में ये दूरी आर बाय टू। फर्स्ट सेल की वजह से जो सरफेस पे आएगा वही ए पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि अंदर है ना ए पॉइंट फर्स्ट सेल के, तो के माइनस टू क्यू बाय में आर सरफेस पे। सेकंड सेल की वजह से के फोर क्यू बाय में टू आर। थर्ड सेल की वजह से के फाइव क्यू बाय में थ्री आर। तो के क्यू बाय में आर को कॉमन ले लो, टू माइनस टू ठीक है प्लस टू प्लस फाइव बाय थ्री, टू माइनस टू खत्म, तीन दूनी छः प्लस पाँच ग्यारह, ग्यारह के क्यू बाय तीन आर। तो वी ए कितना आ गया, ग्यारह के क्यू बाय थ्री आर, इलेवन के क्यू बाय थ्री आर। बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिए ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट्स पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, और फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा, ये ध्यान रहे ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, वो ये होगा। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें क्या गिवन है, मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स होंगे ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स होंगे। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो एक सेल ये है, ये सेंटर, रेडियस कितनी ए, दूसरी सेल ये है, रेडियस कितनी स्मॉल बी ठीक है। और मैंने क्या किया, इस इनर सेल को अर्थ कर दिया अंदर वाले को, और अब मैंने क्या किया इस पे आउटर सेल पे मतलब सेकंड सेल पे क्यू चार्ज पुट कर दिया, ऐसे डाल दिया। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो बताओ, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होगा, और क्या बताना है, वेरियस रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन वेरियस रीजन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो मैंने केवल आउटर सेल पे क्यों चार्ज पुट किया, इनर सेल को अर्थ कर दिया, इनर सेल की इनर सेल की रेडियस ए, आउटर सेल की रेडियस बी ठीक है। तो अब देखो इनर सेल को मैंने अर्थ किया है ठीक है, इनर सेल को अर्थ किया ठीक है, ये ध्यान रहे, आउटर सेल को मैंने अर्थ नहीं किया है। तो देखो आउटर सेल पे मैंने क्यों चार्ज डाला है, तो आउटर सेल पे टोटल चार्ज तो क्यों ही रहेगा, लेकिन इनर सेल पे अब चार्ज आ सकता है क्योंकि इनर सेल का ग्राउंड के साथ कनेक्शन हो गया। हाँ इनर सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो जरूर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है। तो देखो मान लो
ये जो ये वाली सेल है फर्स्ट सेल, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज आ गया वाई। ड्यू टू इंडक्शन सेकंड सेल के इनर सरफेस पे माइनस वाई आना चाहिए, सही बात है। और देखो सेकंड सेल पे मैंने क्यों चार्ज पुट किया था ना, तो इस पे टोटल चार्ज क्यों रहना चाहिए ना, तो आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा सेकंड सेल के, क्यू प्लस वाई, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये जो मैटेरियल है ना दोनों कंडक्टिंग शेल्स का, इस मैटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, जीरो। देखो सेकंड सेल का कंडक्टर का मैटेरियल ये है, ये मार्कर दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट सेल का कंडक्टर का मैटेरियल ये है, ये मार्कर दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक, तो इनसाइड द मैटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, इसलिए ये इंडक्शन होता है। यहाँ पे स्मॉल वाई आया तो यहाँ पे माइनस वाई आएगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई आया क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है ना ये अंदर वाली सेल, तो मान लो यहाँ पे वाई आ गया चार्ज, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे माइनस वाई जरूर आएगा। और देखो आउटर शेल जो है उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, उस पर मैंने क्यों चार्ज पुट किया था, उस पर टोटल चार्ज क्यों ही होना चाहिए, तो मतलब इसका मतलब उसके आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, क्यू प्लस वाई, क्यू प्लस वाई माइनस वाई, क्यों ही तो हो गया, ठीक है। अब देखो मान लो ये ए पॉइंट है, ये जो मेरी अंदर वाली सेल है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है ना, ये ए पॉइंट ये जो अंदर वाली सेल है इसके सरफेस पे है, तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होना चाहिए क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मानते हैं हम, जीरो मानते हैं, ठीक है। तो देखो इस ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना आएगा, जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन कितना आएगा, तो देखो ये ए पॉइंट बाहर वाली सेल के अंदर है, तो बाहर वाली की वजह से क्या आएगा, जो सरफेस पे आएगा, और बाहर वाली सेल पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो कितना के क्यू बाय में बी, मतलब जो सरफेस पे आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अंदर वाली सेल पे टोटल चार्ज कितना आ गया, वाई, तो अंदर वाली की वजह से इसके खुद के सरफेस पे ही मतलब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के स्मॉल वाई बाय में स्मॉल ए, और ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो के तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्यू बाय में बी प्लस वाई बाय में ए शुड बी इक्वल टू जीरो, तो y बाय में a शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू बाय में b, तो y कितना आ गया माइनस क्यू ए बाय में b, इतना आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू आ गई माइनस क्यू ए बाय में b, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट सेल है इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू ए बाई बी, सेकेंड सेल के इनर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन कितना आ जाएगा, माइनस वाई, मतलब क्यू ए बाई बी, सेकेंड सेल के आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, क्यू प्लस वाई, मतलब क्यू माइनस क्यू ए बाई बी, ठीक है। तो ये जो भी आएगा आउटर सरफेस पे इतना आ जाएगा, फर्स्ट सेल के आउटर सरफेस पे y मतलब माइनस क्यू ए बाय बी, सेकेंड सेल के इनर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन माइनस y मतलब क्यू ए बाय बी, और सेकेंड सेल के आउटर सरफेस पे क्यू प्लस y, तो यहां से क्यू को कॉमन ले लो, वन माइनस ए बाय बी, ठीक है, तो क्यू इंटू में b माइनस ए बाय में b, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जब तक मैंने इस दूसरी शेल पे कोई चार्ज पुट नहीं किया था, और मान लो ये अर्थ ही थी, इस पे कोई चार्ज नहीं था अंदर वाली शेल पे, लेकिन ये अर्थ ही है, मैंने सेकंड शेल पे क्यों चार्ज पुट कर दिया,
तो पहली बात तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखो इनर सेल पे अब चार्ज आ गया माइनस क्यू ए बाय बी और नेगेटिव चार्ज आ गया इनर सेल के आउटर सरफेस पे माइनस क्यू ए बाय बी नेगेटिव चार्ज। ये कहां से आया होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे ग्राउंड टू इनर सेल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे? एन, ठीक है। और एन निकालो तो क्यू ए बाय बी शुड बी इक्वल टू एन ए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एन कितना आ गया? क्यू ए बाय में बी ई। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझो। फॉर एग्जांपल मान लो इनर रेडियस मतलब अंदर वाली सेल की रेडियस 1 मीटर हो, बाहर वाली सेल की रेडियस 2 मीटर हो, ठीक है। और बाहर वाली सेल पे मैं चार्ज डालूं क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 कूलम्ब। और ध्यान रहे ये जो सेल्स है ना ये हम वेरी थिन लेते हैं, कंडक्टिंग सेल्स वेरी थिन। ये दोनों क्या है? कॉन्सेंट्रिक थिन कंडक्टिंग सेल्स। अंदर वाली सेल की रेडियस मान लो 1 मीटर, बाहर वाली सेल की रेडियस मतलब बी 2 मीटर। अंदर वाली को मैंने अर्थ रखा, बाहर वाली पे मैंने मान लो 1 कूलम्ब चार्ज पुट कर दिया। तो ग्राउंड से अंदर वाली सेल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे एन। ये कितना आएगा? फ्रॉम दिस क्यू ए बाय में बी ई, क्यू कितना 1, ए कितना 1, बाय में बी 2, ई क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹. तो ये कितना आएगा? ये आएगा 31.25 × 10⁻¹⁷। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे फ्रॉम ग्राउंड टू अंदर वाली सेल, ठीक है। क्योंकि अर्थ तो मैंने अंदर वाली सेल को कर रखा ना। अगर ऐसा ऐसा हो, ए 1 मीटर हो, बी 2 मीटर हो, और बाहर वाली सेल पे मैं 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज पुट करूं, तो फ्रॉम ग्राउंड टू इनर सेल इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे जिससे अंदर वाली सेल के आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू ए बाय बी, ठीक है। ये तो फॉर एग्जांपल था। अब इस जनरल सिचुएशन को ही लेके चलते हैं, बिल्कुल ये वाली। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस रीजन्स, ठीक है। और एक्स क्या होगी यहां पे? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो देखो मान लो ये मेरे पास कोई बी पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरे पास सी पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरे पास डी पॉइंट है, और ये तो ए है ही फर्स्ट सेल के सरफेस पे, ठीक है। और अंदर यहाँ पे मान लो कोई ई पॉइंट है, बी सी डी ए ई, ठीक है। तो अब आओ एट बी, मतलब एक्स बी से ज्यादा हो, मतलब इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ठीक है ना। तो अब देखो अंदर वाली सेल पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है माइनस क्यू ए बाय बी, बाहर वाली सेल पे अभी भी टोटल चार्ज क्यू है, इनर सरफेस पे क्यू ए बाय बी, बाहर वाली सरफेस पे क्यू इंटू में बी माइनस ए बाय बी, तो क्यू ही हो जाएगा ना। तो ये जो बी पॉइंट है इसकी दूरी फ्रॉम सेंटर ये क्या है? एक्स। तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? देखो तो ये बी पॉइंट देखो दोनों सेल के ही बाहर है, तो अंदर वाली सेल की वजह से ऐसे आएगी क्योंकि अंदर वाली सेल पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना माइनस क्यू ए बाय बी। और कितनी आएगी? के क्यू ए बाय में बी बाय में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और
सेकंड सेल की वजह से इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, क्योंकि सेकंड सेल पे टोटल चार्ज कितना, पॉजिटिव क्यू, और कितनी आएगी, के क्यू बाय मैक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो बी ए से ज्यादा है, दिखाई दे रहा है बी इज ग्रेटर देन ए। तो ए बाय में बी, ये वन से कम ही आएगा, तो इस बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और किसको कॉमन ले लो, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर को, वन माइनस ए बाय बी, तो कितनी आएगी, के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर इंटू में बी माइनस ए बाय में बी। ठीक है, इतनी आ गई, के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर इंटू में बी माइनस ए बाय में बी, और ऐसे मतलब अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अब आओ इस सी पॉइंट पे, मतलब जो सेकंड सेल के सरफेस पे, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट सी। ठीक है, तो एक्स को क्या पुट कर दो, बी पुट कर दो, सही है ना, बिल्कुल एक्स को बी पुट कर दो यहां पे, और ऐसे आएगी बिल्कुल, के क्यू बाय में बी स्क्वायर इंटू में बी माइनस ए बाय में बी, तो के क्यू बाय में बी क्यूब इंटू में बी माइनस ए इंटू में बी माइनस ए, और ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ इस डी पॉइंट पे, मतलब जो इन सेल्स के बीच में है, और इस डी पॉइंट की दूरी फ्रॉम सेंटर वो क्या हो जाएगी, एक्स। अब आओ डी पॉइंट पे, जो कि इन दोनों सेल्स के बीच में है, और जिसकी दूरी फ्रॉम सेंटर क्या है, एक्स। ठीक है, तो देखो ये डी पॉइंट बार वाली सेल के तो अंदर आ गया, तो बार वाली सेल की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं डी पॉइंट पे, अंदर वाली सेल की वजह से आएगी, अंदर वाली सेल पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ऐसे आएगी, और कितनी, के क्यू ए बाय में बी, और ये दूरी एक्स, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी के क्यू ए बाय में बी एक्स स्क्वायर, और ऐसे। ठीक है, और अब देखो इस ए पॉइंट पे, मतलब जो कि अंदर वाली सेल के सरफेस पे है, एट ए पॉइंट, एक्स को क्या पुट कर दो, स्मॉल ए, या बेसिक पे निकाल लो, बेसिक पे जाके, तो ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट अंदर वाली सेल के सरफेस पे है, तो ए पॉइंट बार वाली सेल के तो अंदर है, तो बार वाली सेल की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, तो केवल अंदर वाली सेल की वजह से आएगी, क्योंकि ए पॉइंट सरफेस पे है ना अंदर वाली सेल के, तो कितनी आएगी, के चार्ज कितना, क्यू ए बाय में बी, और ऐसे आएगी क्योंकि अंदर वाली सेल पे नेगेटिव चार्ज है, बाय में ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगी के क्यू बाय में ए बी, इतनी, और ऐसे टुवर्ड सेंटर। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, ई पॉइंट पे, जिसकी सेंटर से दूरी एक्स है, और एक्स स्मॉल ए से भी कम है। ठीक है, एट ई पॉइंट, यहां पे है ई पॉइंट, जो पहली शैल है ना उसके अंदर है ये ई पॉइंट, तो देखो ये ई पॉइंट तो दोनों शैल के अंदर आ गया, तो ई पॉइंट पे क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नहीं, दोनों शैल की वजह से जीरो आएगी, तो ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ठीक है, मतलब जितने पॉइंट्स होंगे ना पहली शैल के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। ठीक है, अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वेरियस पॉइंट्स या इन वेरियस रीजन्स,
तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो सबसे पहले, सेंटर से दूरी क्या है एक्स। तो ये देखो ये बी पॉइंट दोनों सेल के आउटसाइड है, तो क्या आएगा के माइनस क्यू ए बाय में बी एक्स, ये तो अंदर वाली सेल की वजह से, और बाहर वाली सेल की वजह से, बाहर वाली सेल के भी आउटसाइड है बी पॉइंट, तो प्लस के बाहर वाली सेल पे टोटल चार्ज क्यू बाय में एक्स, सही बात है, इतना आ गया। ठीक है, कॉमन ले लो के क्यू बाय में एक्स को कॉमन ले लो, तो वन माइनस ए बाय बी, तो के क्यू बाय एक्स इंटू में बी माइनस ए बाय में बी, ये आ गया। मतलब ये जो बी पॉइंट बाहर वाली सेल के भी बाहर है, मतलब एक्स ग्रेटर देन स्मॉल बी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा के क्यू बाय में एक्स इंटू में बी माइनस ए बाय में बी। ठीक है, अब आ जाओ इस सी पॉइंट पे, मतलब जो कि बाहर वाली सेल के सरफेस पे है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, एक्स को बी पुट कर दो बस, ठीक है ना, तो वी सी कितना आ जाएगा के क्यू बाय में बी, और बी इंटू में बी, बी स्क्वायर इंटू में बी माइनस ए। ठीक है, अब आ जाओ डी पॉइंट पे, एट डी, मतलब ये डी पॉइंट दोनों सेल के बीच में है और जिसकी दूरी फ्रॉम सेंटर x है, x मतलब a से ज्यादा बी से कम है। ठीक है, तो देखो d पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर वाली सेल की वजह से क्या आएगा, तो देखो d पॉइंट अंदर वाली सेल के तो बाहर है, तो क्या आएगा k इंटू में चार्ज कितना माइनस क्यू ए बाय में बी बाय में ये दूरी x। ठीक है, अब देखो बाहर वाली सेल के तो अंदर है ना ये d पॉइंट, तो बाहर वाली सेल की वजह से इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, दो सरफेस पे आएगा, तो प्लस के क्यू बाय में बी। ठीक है, तो यहां पे चाहो तो कॉमन ले लो के क्यू बाय बी को वन माइनस ए बाय एक्स। ठीक है, तो मतलब इंटू में एक्स माइनस ए बाय में एक्स। ठीक है, तो इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आ गया के क्यू बाय में बी इंटू में एक्स माइनस ए बाय एक्स, क्या आया के क्यू बाय में बी इंटू में एक्स माइनस ए बाय एक्स। ठीक है, अब आ जाओ ए पॉइंट है, मतलब जो कि अंदर वाली सेल के सरफेस पे है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा वी ए। तो देखो ए पॉइंट अंदर वाली सेल के सरफेस पे है लेकिन बाहर वाली सेल के अंदर है, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अंदर वाली सेल वो क्या आएगा जो सरफेस पे आता है, तो के इंटू में माइनस क्यू ए बाय में बी, और बाय में ये दूरी स्मॉल ए जो सरफेस पे आएगा, तो स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल, तो ये आ गया माइनस के क्यू बाय में बी। वैसे भी जीरो आ जाएगा क्योंकि अंदर वाली सेल आर थर्ड है ना, तो ये जीरो आएगा पक्का, देखो बिल्कुल। प्लस बाहर वाली सेल की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा जो सरफेस पे आएगा, क्योंकि ए पॉइंट बाहर वाली सेल के अंदर है, तो प्लस के क्यू बाय में बी, देखो जीरो आ गया ना, ये कट गए कैंसिल हो गए, और आना भी चाहिए जीरो। ठीक है, और ये ई पॉइंट जो कि अंदर वाली सेल के भी अंदर है, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा वी ई। तो देखो अंदर वाली सेल की वजह से क्या आएगा जो सरफेस पे आएगा, के माइनस क्यू ए बाय में बी बाय में ए, और बाहर वाली सेल की वजह से भी क्या आएगा जो सरफेस पे आएगा,
तो प्लस के क्यू बाय में बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा ये। तो वेरियस रीजन्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गई, और फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। ठीक है, अंदर वाली को अर्थ कर दूं, केवल केवल बाहर वाली पे मैं अगर मैं चार्ज डालूंगा ना, पॉजिटिव चार्ज, मान लो मैंने क्यू पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। अंदर वाली जो शेल है उसके आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू ए बाई बी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा फ्रॉम ग्राउंड टू इनर शेल, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का, क्यू ए बाई में बी फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे बाहर वाली शेल के इनर सरफेस पे क्यू ए बाई बी आ जाएगा। और देखो बाहर वाली सेल पे टोटल चार्ज तो क्यों ही रहेगा ना, क्योंकि इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, इसकी कोई अर्थिंग वगैरह थोड़ी ना। तो बाहर वाली सेल के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आना चाहिए, क्यू इंटू में बी माइनस ए वाई में बी, कि इन दोनों का सम क्या हो जाए, क्यू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल आज का। इसमें क्या होगा, इसमें बाहर वाली सेल अर्थ होगी, यहां पे दो कॉन्सेंट्रिक थिन कंडक्टिंग सेल्स होंगी, और अब की बार बाहर वाली सेल वो अर्थ होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड देखो, इसमें क्या गिवन है, एक शेल तो ये है, सेंटर ये हो गया रेडियस ए, और दूसरी शेल ये रेडियस बी, दोनों थिन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बाहर वाली जो शेल है ना इसको अर्थ कर दिया, और अंदर वाली शेल पे चार्ज पुट कर दिया क्यू। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सबसे पहले तो वो फाइंड आउट करो। और वेरियस रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वेरियस रीजन्स। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैंने अंदर वाली सेल पे क्यों चार्ज डाला है, तो ये जो अंदर वाली सेल है ना इसके इनर सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, आउटर सरफेस पे ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा क्यों चार्ज। ठीक है, और ड्यू टू इंडक्शन ये जो मेरी बाहर वाली सेल है इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यों चार्ज आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और मान लो बाहर वाली शेल के आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा वाई। ठीक है, और मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो देखो डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होना चाहिए ना बिल्कुल, तो डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, और उसको जीरो पुट कर देंगे। अंदर वाली शेल पे टोटल चार्ज क्या है क्यू, और वो कि और जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्प्रेड हो जाएगा आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो अंदर वाली शेल की वजह से इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या आ जाएगा, के क्यू बाय में बी। और बाहर वाली शेल की वजह से इसी के सरफेस पे मतलब डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, प्लस के, बाहर वाली सेल पे अब टोटल चार्ज हो गया वाई माइनस क्यू बाय में ये दूरी बी इज इक्वल टू जीरो, तो के बाय बी तो खत्म हो गया। ठीक है ना, तो क्यू प्लस वाई माइनस क्यू जीरो, ये तभी होगा जब वाई जीरो होगा। तो VD को जीरो पुट करके मैंने क्या पाया, वाई जीरो। ठीक है, वाई जीरो पाया। तो इसका मतलब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर मैं बताऊं
ये जो पहली सेल है ना, इसके इनर सरफेस पे तो कोई चार्ज आएगा नहीं, आउटर सरफेस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा जो मैंने पुट किया था। और जो दूसरी सेल है इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू ड्यू टू इंडक्शन ये आएगा ही, और इसके आउटर सरफेस पे जीरो, वाई जीरो आया ना, ठीक है। और ये जो कंडक्टर का मटेरियल है ना, जहां जहां पे मैं मार्कर घुमा रहा हूं, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, इसीलिए कुछ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। और देखो मैंने तो क्यू चार्ज अंदर वाली सेल पे ही पुट किया था, बाहर वाली सेल पे नहीं किया था। बाहर वाली सेल पे टोटल चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू प्लस जीरो, माइनस क्यू आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा ग्राउंड टू बाहर वाली सेल, या फ्रॉम ग्राउंड टू इनर सरफेस ऑफ बाहर वाली सेल एन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा। बिल्कुल, ये एन कितना आएगा, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन कितना आ गया, क्यू बाई ई, ठीक है ना। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ सकते हैं और भी अच्छे से। तो देखो मान लो मैंने अंदर वाली सेल पे वन कोलाम्ब प्लस वन कोलाम्ब चार्ज पुट किया और बाहर वाली सेल को अर्थ कर दिया, तो ये प्लस वन कोलाम्ब अंदर वाली सेल के आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ड्यू टू इंडक्शन बाहर वाली सेल के इनर सरफेस पे माइनस वन कोलाम्ब चार्ज आ जाएगा, और बाहर वाली सेल के आउटर सरफेस पे जीरो कोलाम्ब आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा फ्रॉम ग्राउंड टू इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल, क्यू बाय ए, वन बाय में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और ये आएगा 6.25 इंटू में 10 की पावर 18, ठीक है। अब देखो जनरल केस को ही लेंगे, ये जो जनरल केस है ये तो फॉर एग्जांपल बताया मैंने, ठीक है, ताकि विजुअलाइजेशन हो कुछ। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस रीजन्स, सबसे पहले, उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो अंदर वाली सेल पे टोटल चार्ज क्यू, बाहर वाली सेल पे टोटल चार्ज माइनस क्यू, और ये ई पॉइंट बाहर वाली सेल के भी बाहर है और सेंटर से दूरी है एक्स, तो ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, दोनों के ही बाहर है ना, तो अंदर वाली सेल की वजह से ऐसे आएगी, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है अंदर वाली सेल पे, पॉजिटिव क्यू, और कितनी, के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर, और जो बाहर वाली सेल है उस पर टोटल चार्ज कितना, माइनस क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर, कितनी आएगी, कट गए तो जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी इस रीजन में, ठीक है। फॉर एक्स ग्रेटर देन बी देर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाओ डी पॉइंट पे, एट डी, तो देखो ये डी पॉइंट अंदर वाली सेल के तो बाहर है, बाहर वाली सेल के सरफेस पे है, तो अंदर वाली सेल की वजह से डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कितनी आएगी, के क्यू बाय में बी स्क्वायर, सही बात है, बाहर वाली सेल की वजह से इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ऐसे आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना बाहर वाली सेल पे टोटल, माइनस क्यू, और कितनी आएगी, के क्यू बाय में बी स्क्वायर। तो जो बाहर वाली सेल है ना उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, जीरो, ठीक है। अब आ जाओ इस सी पॉइंट पे, सी पॉइंट देखो बाहर वाली सेल के अंदर है, उसकी वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं सी पॉइंट पे, अंदर वाली सेल के बाहर है ये सी पॉइंट, और सेंटर से दूरी कितनी है एक्स, तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल अंदर वाली सेल की वजह से आएगी, और अंदर वाली सेल पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू पॉजिटिव, तो ये कितनी आएगी, के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर, ये दूरी क्या थी एक्स, ठीक है। तो ऐसे करके अवे फ्रॉम सेंटर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड,
इन दोनों सेल्स के बीच में कोई पॉइंट सी जिसकी दूरी फ्रॉम सेंटर इज एक्स। अब आ जाओ बी पॉइंट पे, तो देखो ये बी पॉइंट अगेन बार वाली सेल के अंदर है और ये बी पॉइंट अंदर वाली सेल के सरफेस पे है, तो बार वाली सेल की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, लेकिन अंदर वाली सेल के सरफेस पे है ये बी पॉइंट, उसकी वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके कितनी के क्यू बाय में ए स्क्वायर अवे फ्रॉम सेंटर। अब आ जाओ ए पॉइंट पे, ए पॉइंट दोनों ही सेल के अंदर है तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जीरो, दोनों ही सेल की वजह से जीरो रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही सेल के अंदर आ गया ना। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं इन वेरियस रीजन्स। तो अब देखो ई पॉइंट पे, मतलब जब x क्या होगा b से भी ज्यादा, e पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करो, अंदर वाली और बाहर वाली दोनों इस सेल के बाहर हो गया ना e पॉइंट, तो अंदर वाली सेल की वजह से क्या आएगा k q बाय में x, बाहर वाली सेल पे टोटल चार्ज माइनस q, उसकी वजह से k माइनस q बाय में x कितना आया, जीरो आया, कट गया ना। और आउटर सेल तो अर्थ है ही, तो इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। और ये सी पॉइंट दोनों सेल के बीच में है, इस पे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये सी पॉइंट बाहर वाली सेल के अंदर आ गया, लेकिन अंदर वाली सेल के बाहर है क्योंकि दोनों सेल के बीच में है ना, तो इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अंदर वाली सेल की वजह से के क्यू बाय में एक्स, सी पॉइंट की दूरी फ्रॉम सेंटर इज एक्स, प्लस बार वाली सेल की वजह से ये कितना हो जाएगा, बार वाली सेल के अंदर है ना सी पॉइंट, तो बार वाली सेल की वजह से जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वही सी पॉइंट पे आ जाएगा, तो के माइनस क्यू बाय में बी, ठीक है। तो कॉमन ले लो के क्यू को 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय बी, तो बी माइनस एक्स बाय में एक्स बी, ठीक है, ये आ गया के क्यू बी माइनस एक्स बाय में एक्स बी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। ये कितना आएगा के क्यू इंटू में बी माइनस एक्स बाय एक्स बी। अब आ जाओ बी पॉइंट पे जो कि अंदर वाली सेल के सरफेस पे है, उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, तो क्या आएगा अंदर वाली सेल की वजह से क्या आएगा के क्यू बाय में ए, क्योंकि सरफेस पे है ना ये बी पॉइंट अंदर वाली सेल के सरफेस पे है, और बाहर वाली सेल की वजह से क्या आएगा, जो बाहर वाली सेल की वजह से जो उसके सरफेस पे आएगा वही इस बी पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट बाहर वाली सेल के अंदर है ना, तो प्लस के इंटू में माइनस क्यू बाय में बी जो सरफेस पे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सेल वही इस बी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन ले लो यहाँ पे के क्यू को 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, तो ये आ जाएगा के क्यू इंटू में बी माइनस ए बाय में ए बी, ठीक है, के क्यू इंटू में बी माइनस ए बाय में ए बी, ठीक है। अब आ जाओ इस ए पॉइंट पे जो कि अंदर वाली सेल के भी अंदर है, जिसकी सेंटर से दूरी एक्स और एक्स स्मॉल ए से भी कम है, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखो ए पॉइंट दोनों ही सेल के अंदर आ गया ना, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनर सेल वो क्या हो जाएगा, जो कि उसके सरफेस पे आएगा के क्यू बाय में ए,
ड्यू टू आउटर सेल के इन टू में माइनस क्यू बाय में बी, मतलब जो किसके सरफेस पे आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, के क्यू को कॉमन ले लो, 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, तो यही आ जाएगा। जो अंदर वाली सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था ना, वही अंदर वाली सेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। कितना, के क्यू इंटू में बी माइनस ए बाय में ए बी, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकल गया इन वेरियस रीजन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गई और फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल गया, ठीक है। मैंने देखो यहां पे ध्यान रहे, आउटर सेल को अर्थ किया था, इनर सेल पे क्यू चार्ज पुट किया था, तो होगा क्या, इनर सेल के आउटर सरफेस पे क्यू चार्ज आ जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और मान लो क्यू पॉजिटिव है, और ड्यू टू इंडक्शन आउटर सेल के इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और आउटर सेल के आउटर सरफेस पे जीरो चार्ज आएगा क्योंकि वाई जीरो आया था। तो एक तरह से ग्राउंड से टू दी इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा, क्यू बाय ए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा, ठीक है, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल, इसमें क्या होगा, तीन होंगी, तीन थिन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, ठीक है। आज का लास्ट न्यूमेरिकल फोर्थ, रेडियस आर, एक और शेल है कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल, रेडियस टू आर एक और है फाइनल या थर्ड कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल, रेडियस 3R, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, सेंटर पे क्यू चार्ज पुट कर दिया और पहली शेल पे माइनस टू क्यू चार्ज डाल दिया और दूसरी शेल पे 4Q चार्ज डाल दिया और तीसरी शेल पे 5Q चार्ज पुट कर दिया। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहां से, ठीक है। अभी तक देखो मैंने किसी शेल की अर्थिंग नहीं किया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो यहीं पे सोल्व कर रहा हूं मैं इसको। देखो यहां पे सेंटर पे क्यू, तो ड्यू टू इंडक्शन पहली सेल के इनर सरफेस पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, और पहली सेल पे टोटल चार्ज मैंने कितना पुट किया था, माइनस टू क्यू, तो पहली सेल के आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू आना चाहिए। और ड्यू टू इंडक्शन सेकेंड सेल के इनर सरफेस पे कितना आ जाएगा, प्लस क्यू, और सेकंड सेल पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 4Q, तो सेकंड सेल के आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, 3Q, ठीक है ना। और ड्यू टू इंडक्शन थर्ड सेल के इनर सरफेस पे कितना आ जाएगा, माइनस 3Q, लेकिन थर्ड सेल पे टोटल चार्ज मैंने कितना पुट किया, 5Q, तो इसका मतलब थर्ड सेल के आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, 8Q, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड सेल है ना बीच वाली, इसको अर्थ कर दूंगा, ठीक है, मिडल सेल को मैं अब अर्थ कर दूंगा, अर्थड, ठीक है,
ये जो बीच वाली शेल है ना, जिसकी रेडियस क्या है 2R, और देखो ध्यान रहे ये तीनों कॉन्सेंट्रिक थिन कंडक्टिंग सेल्स हैं, ठीक है। बीच वाली सेल को मैं अर्थ कर दूंगा, ये कर दी, अचानक मैं इस बीच वाली सेल को अर्थ कर दूंगा, तो अब नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो सेंटर पे तो क्यू चार्ज मैंने पुट किया था ही बिल्कुल, और ड्यू टू इंडक्शन पहली सेल के इनर सरफेस पे माइनस क्यू आएगा, और पहली सेल पे मैंने टोटल चार्ज कितना पुट किया था, माइनस टू क्यू, क्योंकि इसकी कोई अर्थिंग नहीं है ना, तो इस पे तो टोटल चार्ज माइनस टू क्यू ही रहेगा ना पहली सेल पे, तो इसका मतलब पहली सेल के आउटर सरफेस पे कितना आएगा, माइनस क्यू, ठीक है। और ड्यू टू इंडक्शन सेकेंड सेल के इनर सरफेस पे कितना आ जाएगा, क्यू। लेकिन देखो मैंने सेकेंड सेल की अर्थिंग कर दी, तो अब मान लो सेकेंड सेल के आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा वाई, और ड्यू टू इंडक्शन थर्ड सेल के इनर सरफेस पे कितना आएगा, माइनस वाई। और देखो थर्ड सेल की कोई अर्थिंग नहीं है, थर्ड सेल पे मैंने टोटल चार्ज कितना पुट किया था, फाइव क्यू, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। तो थर्ड सेल पे टोटल चार्ज रहेगा फाइव क्यू, तो एक तरह से थर्ड सेल के आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा चार्ज, फाइव क्यू प्लस वाई, ठीक है बिल्कुल। अब ये वाई निकाल लो एक तरह से, तो देखो मान लो ये तो है ए पॉइंट, और ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई, और ये एफ, और यहाँ पे कुछ है जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये पॉइंट्स हैं। तो देखो ये जो डी पॉइंट है ये सेकंड सेल के सरफेस पे है, और सेकंड सेल की या मिडिल सेल की मैंने अर्थिंग कर रखी है, तो इसका मतलब डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाय में टू आर, सही बात है। और देखो फर्स्ट जो सेल है इस पे टोटल चार्ज कितना, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस टू क्यू, तो फर्स्ट सेल के आउटसाइड है ये डी पॉइंट, तो फर्स्ट सेल की वजह से डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, के इंटू में माइनस टू क्यू बाय में टू आर, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड सेल, तो देखो सेकंड जो सेल है अब इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस वाई, और ये डी पॉइंट सेकंड सेल के सरफेस पे भी है, तो सेकंड सेल की वजह से इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, के इंटू में क्यू प्लस वाई बाय में 2R। अब आ जाओ थर्ड सेल, थर्ड सेल के इनसाइड है ये डी पॉइंट, तो थर्ड सेल की वजह से इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, जो उसके थर्ड सेल के सरफेस पे आएगा, तो प्लस के, और थर्ड सेल पे टोटल चार्ज कितना है, 5Q, मैंने 5Q डाला था, 5Q बाय में 3R, और इसको पुट कर दो जीरो, क्योंकि ये जो मिडल सेल है या सेकंड सेल इसकी मैंने अर्थिंग कर दी ना, तो इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहां से वाई की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, यहां पे ये आ जाएगी माइनस टेन क्यू बाय थ्री, ठीक है, निकालोगे ना जब आप, माइनस टेन क्यू बाय थ्री इतनी आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया था, सेंटर पे क्यू चार्ज, फर्स्ट सेल पे माइनस टू क्यू डाला, सेकंड सेल पे फोर क्यू, और थर्ड सेल पे फाइव क्यू, फिर अचानक से मैंने मिडल सेल मतलब सेकंड सेल की अर्थिंग कर दी। अब जो नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, यही बन जाएगा,
जहाँ पे वाई है उसकी जगह माइनस टेन क्यू बाई थ्री पुट कर दो बस, ठीक है। सेंटर पे चार्ज रहेगा क्यू, बिल्कुल फर्स्ट सेल के इनर सरफेस पे माइनस क्यू आएगा, ठीक है, और फर्स्ट सेल के आउटर सरफेस पे माइनस क्यू आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, और सेकंड सेल के इनर सरफेस पे क्यू आएगा ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। सेकंड सेल के आउटर सरफेस पे कितना आएगा वाई, और वाई कितना आया माइनस टेन क्यू बाय थ्री, माइनस टेन क्यू बाय थ्री, ठीक है। और ड्यू टू इंडक्शन थर्ड सेल के इनर सरफेस पे कितना आएगा माइनस वाई, मतलब टेन क्यू बाय थ्री, ठीक है। और थर्ड सेल के आउटर सरफेस पे फाइव क्यू प्लस वाई, फाइव क्यू प्लस वाई मतलब माइनस टेन क्यू बाय थ्री, तो पाँच ये पंद्रह क्यू माइनस दस क्यू पाँच क्यू, तो ये हो जाएगा फाइव क्यू बाय थ्री, ठीक है ना, ये हो जाएगा फाइव क्यू बाय थ्री, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इनिशियली मतलब इसको अर्थ करने से पहले, अर्थ करने से पहले ध्यान रहे, बिफोर अर्थिंग ऑफ मिडल सेल, बिफोर अर्थिंग ऑफ मिडल सेल, मिडल सेल पे चार्ज कितना था, चार्ज ऑन मिडल सेल कितना था, फोर क्यू ही तो था, सही बात है, फोर क्यू पुट किया था ना मैंने, और आफ्टर अर्थिंग ऑफ मिडल सेल, आफ्टर अर्थिंग ऑफ मिडल सेल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन मिडल सेल ये कितना हो गया, क्यू माइनस टेन क्यू बाय थ्री, थ्री क्यू माइनस टेन क्यू माइनस सेवन क्यू बाय थ्री होगा, ठीक है। बिफोर अर्थिंग ये था, आफ्टर अर्थिंग सेकंड सेल पे टोटल चार्ज इतना आ गया, तो फोर क्यू में कुछ ऐड करूंगा जेड कि कितना आ जाए माइनस सेवन क्यू बाय थ्री, तो ऑब्वियसली जेड नेगेटिव आएगा, माइनस सेवन क्यू बाय थ्री माइनस फोर क्यू मतलब माइनस उन्नीस क्यू बाय थ्री, तो एक तरह से माइनस उन्नीस क्यू बाय थ्री आया ना, तो माइनस उन्नीस क्यू बाय थ्री नेगेटिव चार्ज ग्राउंड से सेकंड सेल की तरफ फ्लो हुआ होगा, तो मान लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ एंड इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम ग्राउंड टू सेकंड सेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, ये फाइंड आउट करो कि ग्राउंड से सेकंड सेल की तरफ कितने फ्लो हुए होंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दो, 19 क्यू बाय 3 इज इक्वल टू एन ई, तो एन कितना आ गया 19 क्यू बाय में 3 ई, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो यहां पे फ्रॉम ग्राउंड टू मिडल सेल यह आ गया 19 क्यू बाय में 3 ई, ठीक है। तो अब देखो इनिशियली कोई शेल की अर्थिंग नहीं थी, मिडल पे चार सॉरी सेंटर पे चार था प्लस क्यू, फर्स्ट सेल पे मैंने माइनस टू क्यू डाला, सेकंड सेल पे फोर क्यू, थर्ड सेल पे फाइव क्यू, फिर अचानक मिडल सेल की मैंने अर्थिंग कर दी, तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर अर्थिंग ऑफ मिडल सेल ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें होगा क्या, इस स्टेज से इस स्टेज की बात करूं, जैसे ही मैं मिडल सेल की अर्थिंग कर दूंगा तो होगा क्या, तुरंत ग्राउंड से मिडल सेल की तरफ इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है, तुरंत बिल्कुल। अब मान लो इसमें ये और पूछ रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
इन वेरियस रीजन्स, ये आप निकाल सकते हो, जैसे कि प्रीवियस तीन न्यूमेरिकल्स में मैंने फाइंड आउट किए, ठीक है, बिल्कुल डिटो, बिल्कुल कॉपी उसी तरीके से निकाल सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है, जी पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, एफ पे भी, ई पे भी, डी पे भी, सी पे भी, बी पे भी, ए पे भी, जो पिछले तीन न्यूमेरिकल्स में जिस तरीके से निकाले ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वेरियस रीजन्स, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ। जैसा कि मैंने पिछले तीन न्यूमेरिकल्स में जैसे फाइंड आउट किया, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।